मेरे साथ एसपीओ का एक परिवार है। ये एसपीओ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं, इनका इलाज चल रहा है। ये उनकी दोनों सिस्टर हैं, इनके दो बच्चे हैं। लगभग 15 साल से ज़्यादा इनको नौकरी करते हो गई है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। 18,000 इनकी तनख्वाह है। जिस चीज़ की मैं लगातार बात करता हूँ, लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ कि एसपीओ को परमानेंट करें। अब आप देखें, ये 18,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला दोनों बच्चों को भी पाल रहा है, परिवार को भी पाल रहा है, और आज खुद भी हॉस्पिटल में दाखिल है। कौन इनका इलाज करवाएगा? इनकी दोनों बहनें, उनसे बात करेंगे। के ना है थोड़ा? मेरा चंचला देवी। चंचला जी, एक एसपीओ दा काम करदे ने किन्नी मुश्किल आंदी है, ते किन्ना जरूरी है कि जेडे पुलिस ते एसपीओ नो सारे परमानेंट होने चाहिए? बड़ा जरूरी है। जिन्ना हुण इह बीमार होई है, अगर परमानेंट हुंदा इहनी सुविधा मिलनी ही, ते इसलै एसपीओ च कोई आया नहीं पुछने वाला, इहनी कोहां ने नहीं पुछिया वी भाई कियां होआ दा, दवाइयां दा वगैरह चला दा, इहदा हिसाब किताब। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ। ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸ ਪੀ ਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਹਾਸਪਿਟਲ ਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ? ਅਸ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ, ਦਿਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸ ਪੀ ਓ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਨਕਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸ ਪੀ ਓ जब बीमार हालत में होता है या उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, तो उनकी लाइफ किस तरह की होती है वो आपके सामने है। मैं इसीलिए अपील कर रहा हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से कि एसपीओस को परमानेंट करें, एक परमानेंट पॉलिसी बनाएं। ये 15,000, 8,000 या 12,000 या 18,000 में गुजारा नहीं हो सकता है। बच्चों को भी पालना है, अगर खुद से बीमार हो जाएँ अपना इलाज कैसे करवाएँगे? इनकी पत्नी भी बीमार है, उनका भी इलाज चल रहा है, किस तरह से गुजारा होगा? अपील है एक बार फिर से, एसपीओज जो हैं उनको परमानेंट किया जाए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।